नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और 5 फरवरी 2019 का टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल किसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया तो आज इसका वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। तो ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्ज़ाम UPSC, HPSC, RAS, HSSC, बैंकिंग, रेलवे, SSC सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और वहाँ जाके आप सुनील गोस्वामी नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरे सारे के सारे अभी तक 14 कोर्स हैं। अभी न्यू कोर्स जो अपडेट हुआ है वो है टॉप 200 जो जनवरी से लेके दिसंबर तक करंट अफेयर का, तो वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें आप मुझे फॉलो कर लीजिए और इसमें इनरोल हो जाइए जो भी नए कोर्स हैं उसके अंदर, ताकि आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी का करंट अफेयर। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नेपाल का जो ब्रांड बेस्ट जो एक अम्बेसडर होता है राजदूत, उसको नीलांबर आचार्य को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नीलांबर आचार्य नाम है उनका, जो राजदूत यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वोमेन ODI रैंकिंग में नंबर 1 जो बल्लेबाज है वो कौन बनी है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना है वो ICC वोमेन ODI रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे जो बल्लेबाज बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह में KBR हवाई अड्डे की जो एक नए टर्मिनल के निर्माण की जो आधारशिला है वो किसने रखी है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KBR हवाई अड्डे की जो एक नए टर्मिनल का निर्माण हुआ है उसकी लेह में आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट किसने जारी की है? तो राजीव सिन्हा ने, ये 5 रुपये की टिकट है, तो राजीव सिन्हा ने ये जारी किया है विशेष डाक टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो जो 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो 4 फरवरी से, कैंसर दिवस से मतलब ये स्टार्ट हुआ है। भारत ने 2018 में पर्यटन में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये 19% की बात करें तो पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है, अधिक वृद्धि हुई है। प्रो रेसलिंग लीग 2019 का जो खिताब है वो किसने जीता है? हरियाणा हैमर्स ने। प्रो जो रेसलिंग है उसके अंदर बात करें हम तो जो लीग है 2019 की वो हरियाणा हैमर्स ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशिया की पहली जो महिला कौन बनी है? तो वो है सना मीर। सना मीर है जो 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशिया की महिला बनी है। नेक्स्ट है, नए क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ईरान ने। क्रूज मिसाइल की बात हो रही है यहाँ पे, जो न्यू सफल परीक्षण किया गया क्रूज मिसाइल का वो किसने किया? ईरान ने। चलिए आज का सवाल है, 33वां सूरजकुंड मेला 1 से 17 फरवरी तक कहाँ चलेगा? तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, चंडीगढ़, फरीदाबाद, भोपाल, मुंबई। 33वां जो सूरजकुंड मेला है, और जिनको पता है कि इसका थीम स्टेट कौन सा है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करें। और जो CBI डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, तो आज आपको इवनिंग में है वो 6 तारीख का जो आपका 6 फरवरी का है वो करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन अकेडमी पर आप मुझे फॉलो करें और क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है उसका आप ज़रूर जो है आंसर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।